गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक लेट अस डिस्कस व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन दिस यूनिट. आई एम शेयरिंग सिलेबस विद यू एंड दिस इज द थर्ड यूनिट एंड द longest part of the unit is instruction sets and instruction. I think this topic is only left in this unit and it will take some lectures because as in 8085 also we take around 3 lectures to discuss all the instructions of 8085 and it is necessary to discuss all instructions because as you know ki in the next unit we have to work on the programs of 8085 and 8086. So that is why aap logon ko sabhi instructions ke bare mein at least unka function pata hona chahiye ki kis tarah se kaun si instruction function pe. Although most of the instructions बिल्कुल अपने mnemonics के according work कर रही हैं, जो mnemonics हैं, these mnemonics are as per the operation. जैसे हम लोग data transfer में move use करते हैं, या arithmetic में add subtract use करते हैं. तो mostly जो instructions हैं, वो as per names ही perform कर रही हैं, but उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो स्पेशली माइक्रोप्रोसेसर से रिलेटेड हैं और बिल्कुल कोर हैं उसके. तो दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी देम सो दैट कि एटलीस्ट वंस वी हैव टू स्टडी देम सो दैट कि अगर कहीं प्रोग्राम्स में हम उनका यूटिलाइजेशन करते हैं तो वी कैन रिकॉल कि हाँ मीन्स यस दिस इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट इन 8085 और 8086. And it will also help you to recognize कि program 8085 का है या 8086 का है, because instructions भी बहुत different है 8085 and 8086. Number of instructions 8086 में बहुत ज़्यादा है. Most of the instructions जो हम लोगों ने 8085 में पढ़ी हैं, same are included in 8086 also, but बहुत सारी extra instructions भी हैं जो 8085 में हमने नहीं study की हैं and 8086 में उनको इंक्लूड किया गया. तो दैट इज व्हाई वी हैव टू डिस्कस इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086 आल्सो एंड वी विल डिस्कस दीज इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल. एंड यूनिट 3 की बात करें तो इट बिकम इजियर बिकॉज हम लोग यूनिट 2 में सभी चीजें सेम पैटर्न पे स्टडी कर चुके हैं एंड ऑलमोस्ट बोथ प्रोसेसर सेम है, कुछ फंक्शंस डिफरेंट हैं, कुछ ब्लॉक्स एक्स्ट्रा हैं. तो बस हम लोगों को ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या था यूनिट 3 में कि हमने सिर्फ उन चीज़ों को फोकस किया जो चीज़ें एक्स्ट्रा है 8085 से. रेस्ट के लिए हमने यहाँ यूनिट 3 में फोकस नहीं किया बिकॉज हम लोग ऑलरेडी यूनिट 2 में स्टडी कर चुके हैं. एंड ऑनलाइन मोड का थोड़ा सा ये फायदा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो आप लोग उनको दोबारा से भी देख सकते हैं कि हाँ जैसे फ्लैग्स की बात कर रहे हैं तो 9 फ्लैग्स थे, हमने सिर्फ 4 डिस्कस किए जो यहाँ पर नए प्रीवियस वालों का एक बहुत ही स्मॉल इंट्रोडक्शन ले लिया कि हाँ वो क्या क्या फ्लैग्स थे. तो अगर आप इसको रेफर करना चाहें आप यूनिट 2 के लेक्चर्स को दोबारा देख करके इसको रिवाइज कर सकते. एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप लोग हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को बताया था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं करना है कि जैसे हमने 4 को डिस्कस कर लिया और 5 को नहीं किया तो आप 5 को नहीं लिखेंगे एग्जाम में. नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है. यू हैव टू राइट ऑल द 9 फ्लैग इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑल 9 फ्लैग्स इंक्लूडिंग दोज 5 फ्लैग्स विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन 8085. तो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि क्लासरूम में
चीजों को रिपीटेडली डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट इट इज अप टू योर चॉइस. अगर आप चाहेंगे तो वी कैन डिस्कस अगेन ऑल्सो. बट जो एग्जाम में लिखने का पैटर्न है, वो पैटर्न यही है कि अगर हमने किसी चीज के लिए आपको कहा है कि हम 8085 में पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है. यू हैव टू इंक्लूड दोज टॉपिक्स इन 8086 ऑल्सो. नाउ हम लोगों ने देखिए आर्किटेक्चर 8086 माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर स्टडी किया, इसका पिन डायग्राम भी स्टडी किया. आप देख रहे हैं कि पिन डायग्राम यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपको यहाँ पे पिन डायग्राम स्टडी करना है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पे पिन डायग्राम 8085 में मेंशनड है. इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर भी मेंशन है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर मेंशन है. बट इट डजंट मीन कि हम पिन डायग्राम को स्टडी नहीं करेंगे. हमें पिन डायग्राम स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज इसके आर्किटेक्चर के बाद की जितनी भी फंक्शनिंग है, इट डिपेंड्स अपॉन द पिन डायग्राम. लाइक जैसे हमने ऑपरेटिंग मोड्स की बात की थी, तो ऑपरेटिंग मोड्स में जो हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, उसमें हमें पिन डायग्राम की जरूरत पड़ी, और जो पिन्स थी 24 to 31 उनको तो हमें स्पेशली स्टडी करना पड़ा. तो अगर हम उन पिन्स को स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम पिन नंबर 24 to 31, इट मीन्स कि हमने 7 पिन्स तो स्टडी कर ही ली. अब इसके बाद में 20 पिन्स जो है वो एड्रेस की हैं, तो 7 ये स्टडी की, 20 आपको ऑलरेडी याद है एड्रेस पिन्स है, 27 हो गई. इसके बाद में VCC, क्लॉक, रेडी, होल्ड, HLDA, इस तरह की जो है मतलब कुछ 5-6 इंस्ट्रक्शंस और भी हैं जो हम 8085 में पढ़ चुके हैं. तो अराउंड आपने अबव, अराउंड नहीं बल्कि अबव 30 इंस्ट्रक्शंस हम लोग मतलब उनको हमें मतलब दिमाग नहीं लगाना है, वो पढ़ी ही पढ़ी, पढ़नी ही पढ़नी. तो बची हुई अगर 7-8 इंस्ट्रक्शंस एक्स्ट्रा बच रही हैं, तो सिर्फ उन 7-8 इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करने के लिए हम पिन डायग्राम को नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू स्टडी दैट pin diagram. That is why I discussed the pin diagram of 8086 in the very first lecture of unit. Then फिर register organization हमने पढ़ा 8086 में, कि किस तरह से registers का organization है, general purpose, special purpose, index और base, इस तरह से सभी registers study किए, complete इसका diagram है. Then फिर architecture के दो parts थे, दो parts होते हैं bus interface unit and execution unit. इसके बारे में हम लोगों ने इसकी डिटेलिंग पढ़ी, एंड यहीं पर हमने ये भी स्टडी किया कि इन 8086 पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स एग्जिस्ट कर रहा है. देन मेमोरी एड्रेसिंग हो गई एंड मेमोरी सेगमेंटेशन हम लोगों ने स्टडी किया. मेमोरी सेगमेंटेशन इज सेम लाइक वी स्टडीड इन 8085 आल्सो. ऑपरेटिंग मोड स्टडी कर लिए और इंटरप्ट्स भी हम लोगों ने स्टडी कर ली, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. इसका तो हमने डिटेल में स्टडी किया, इसको भी इसका एक डायग्राम भी स्टडी किया है, विच इज शोइंग कि कौन कौन सी हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं और कितनी टोटल इंटरप्ट्स है, 256. तो जो टॉपिक अब रिमेनिंग है, द रिमेनिंग टॉपिक इज इंस्ट्रक्शन सेट्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो अब यहाँ पर अब जो बच रहा है टॉपिक, वो यही है कि डायरेक्टली रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शंस है, हमें अब इंस्ट्रक्शन स्टडी करनी है. अब जैसे हमने 8085 में इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी, अब यहाँ पर भी हम अगेन उसी तरह से क्लासिफिकेशन पे जाएंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस डेटा ट्रांसफर ग्रुप में, कौन सी अर्थमेटिक में, और फिर उनका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी देखेंगे कि किस क्या फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन को लिखने का, और इंस्ट्रक्शन सेट्स तो हम ग्रुप्स को स्टडी करेंगे. तो नाउ our target is to study instructions of 8086. ये पिन डायग्राम स्टडी किया हम लोगों ने, एंड इसके बाद में फिर आई थिंक आर्किटेक्चर भी है. ये आर्किटेक्चर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें. उसके बाद में रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की थी, तो दिस इज द डायग्राम फॉर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. और अगर आप एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है आप ये
डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं तो एग्जामिनर विल नॉट स्टडी कि वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर थ्योरी इट विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर दैट यू आर वेल नोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रजिस्टर्स इन 8086. फिगर्स का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनेशन में. ड्रॉ द फिगर्स कंसर्न फिगर्स देन फिर मेमोरी सेगमेंटेशन की हमने बात की. मेमोरी सेगमेंटेशन का भी डायग्राम है. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. और अगर आप ये बेस रजिस्टर्स जो हैं हम लोगों के जो सेगमेंटेशन है इनके एड्रेसेस अगर याद कर लेते हैं ये बहुत बढ़िया बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इस बात के एग्जाम. देन स्टेटस रजिस्टर की बात करते हैं तो हमने बताया आप लोगों को कि थ्योरी आप कितनी भी लिख लीजिए अगर आपने स्टेटस फ्लैग्स में ये वाला डायग्राम बना दिया है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. अगर ये नहीं बनाया है देन इट डिपेंड अपॉन कि आपने क्या थ्योरी किस तरह से थ्योरी लिखी हुई है एंड थ्योरी एग्जाम में कोई नहीं पढ़ता. ठीक तो ये हो गया. इसके बाद फिर हम लोगों ने इंटरप्ट स्टडी किए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ 8086. अगेन हम लोगों ने एक डायग्राम स्टडी किया इंटरप्ट पॉइंटर टेबल और कंप्लीट 256 इंटरप्ट्स को हमने पॉइंटर्स के थ्रू यहाँ पर शो किया. देन हम लोगों ने टाइमिंग डायग्राम भी 8086 में एक एग्जांपल स्टडी कर लिया और यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल इसलिए इंक्लूड किया गया कि हम लोगों ने 8085 में ऑलरेडी डिटेल में टाइमिंग डायग्राम को स्टडी कर लिया उसकी हर एक साइकिल स्टडी कर ली है. और आपने ये चीज नोटिस किया है कि जब हम टाइमिंग डायग्राम 8085 में स्टडी कर रहे थे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं. डिफरेंसेस कहाँ है आपने एक मेमोरी फेच आउटपुट फेच की साइकिल स्टडी कर ली जो वेरी फर्स्ट साइकिल होती है माइक्रोप्रोसेसर में. इसके बाद फिर हमारे पास में चार साइकिल्स हैं चार में से कोई भी एक एप्लीकेबल होगी मेमोरी रीड मेमोरी राइट आईओ रीड आईओ इन चारों में से कोई एक एप्लीकेबल होगी और वो नेक्स्ट टाइमिंग डायग्राम हमें उसका स्टडी करना. तो हमने चारों का टाइमिंग डायग्राम स्टडी किया और चारों के टाइमिंग डायग्राम में आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक दो पिंस है जो कि हमें चेंज करनी होती है. रेस्ट सारे टाइमिंग डायग्राम के सारे जो पिंस हैं सारे जो सिग्नल्स हैं वो सेम रहते हैं. और कौन कौन सी पिन चेंज होती है पिन चेंज होती है ये M/IO वाली पिन चेंज होती है और ये पिन चेंज होती है कि व्हाट ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड रीड और राइट. तो दैट इज व्हाई यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइमिंग डायग्राम स्टडी कर रहे हैं. टाइमिंग डायग्राम अगर आप लोगों से एग्जाम में आएगा तो इट विल बी आस्क्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू 8085. देन हम लोगों ने ये कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया. इसके लिए हमने आपको बताया था कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन और मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ 8086 यूनिट. सेकेंड मैक्सिमम मोड फिर एड्रेसिंग हो गई. एड्रेसिंग हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ कमिंग ओवर टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर. बिफोर स्टार्टिंग 8086 इंस्ट्रक्शन आई वुड लाइक टू आस्क किसी को प्रीवियस किसी टॉपिक्स में कोई डाउट या कुछ अगर पूछना हो तो पूछ लीजिए और आई एम गोइंग टू स्टार्ट 8086 इंस्ट्रक्शन. तो मिनिमम मोड वाला सा एक बार थोड़ा सा बता दीजिए. मिनिमम मोड में क्या चीज एक्चुअली लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मेरे क्लास को छूट गई उस टाइम पर सर थोड़ा आइडिया दे दीजिए. मैं से एक चलिए आइडिया हम दे देते हैं बट कोशिश ये करिए कि लेक्चर्स को कि पढ़े हैं तो उनको आप एक बार जो है देख लिया करिए और अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो उसको पूछ लीजिए तो वो थोड़ा सा
अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ कि हम आप फुल टॉपिक को डिस्कस करें। ओके रवि, तो हम ऑपरेटिंग मोड डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आपको बता देते हैं। ऑपरेटिंग मोड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि व्हेन यूजर थिंग्स या मार्केट से ये डिमांड आई कि आई हैव टू परफॉर्म टास्क साइमल्टेनियसली, या प्रोग्रामर को भी ऐसा महसूस हुआ कि हमने एक प्रोग्राम रन करा दिया, अब उसके बाद हम खाली बैठे हैं। हम चाह रहे हैं कि यार मीनवाइल एक और प्रोग्राम मेरा लिखा हुआ है, ये भी रन करके मुझे आउटपुट बता दे, दोनों आउटपुट मेरे पास एक साथ आ जाए। तो यहाँ से कंसेप्ट आया ये ऑपरेटिंग मोड्स का कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाए, एक ऐसा कंप्यूटर डिजाइन किया जाए जो एक से ज्यादा प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता हो। अब ऐसा सिस्टम डिजाइन करने के लिए पहले हमें ऐसा प्रोसेसर डिजाइन करना पड़ेगा जिसकी कंपेटेबिलिटी हो कि वो किसी अदर माइक्रोप्रोसेसर के साथ में वर्क कर सके, बिकॉज 8085 में तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि इट कैन वर्क विद अदर प्रोसेसर। क्योंकि जो यहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आती है कि जो कॉमन शेयरिंग सिस्टम है, जैसे कि कॉमन शेयरिंग में बात करें तो मेमोरी हो गई, आईओ डिवाइसेस हो जाती हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो बसेस यूज होती हैं इंटरकनेक्शन, तो इनके लिए मतलब अब इनका एक्सेस एक ही माइक्रोप्रोसेसर के पास था प्रीवियस केस में 8085 के पास में, तो नाउ वी हैव टू डिजाइन अ प्रोसेसर कि उसके पास उसे हमें कंप्लीट एक्सेस ना देना पड़े थ्रू सम डिवाइस और थ्रू सम इंटरफेसिंग, हम इस एक्सेस को प्रोवाइड करें सो दैट कि हम मोर देन वन प्रोसेसर्स को भी यूज करें। तो अब जब ये कॉन्सेप्ट आ गया तो हमने तो 8086 में एक पिन और इंट्रोड्यूस की गई जिसे MN-MX बार कहा गया, जो पिन यहाँ पर यूज हो रही। एंड दिस पिन इज यूज टू टेल द माइक्रोप्रोसेसर कि उसको किस मोड में काम करना है, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि हम उसे मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में ही यूज करें, बिकॉज किसी भी टेक्नोलॉजी को चेंज करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं? 8085 डिजाइन हो गया, सारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स मार्केट में होंगे वो सभी सिंगल प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स होंगे, एंड हम जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेसर ले आएंगे जो मल्टी प्रोसेसर बेस्ड होगा, तो इन दैट केस क्या होगा कि जितनी भी एग्जिस्टिंग डिवाइसेस होगी उनकी कंपेटिबिलिटी नहीं होगी इससे, तो यूजर को क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्लीट सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई ये कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, एंड ये सब धीरे धीरे जो है ये चीजें ओवरकम की जा सकती है। तो इसीलिए 8086 को ऐसा नहीं किया गया कि कंप्लीटली मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया, इसमें ये ऑप्शन भी रखा गया कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में भी ये वर्क कर सके, सो दैट कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो लोग 8086 को यूज भी कर पाए, और अगर कोई थोड़ा सा एडवांस मल्टीप्रोसेसर सिस्टम लगाना चाहता है तो वो भी यूज कर पाए। तो व्हेनेवर कोई न्यू टेक्नोलॉजी डिजाइन होती है तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाउ इट कैन बी कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट कैन हेल्प इन फ्यूचर। तो दैट इज व्हाई यहाँ पर 8086 में दोनों ही मोड्स दिए गए, सिंगल प्रोसेसर का भी और मल्टीप्रोसेसर का भी, इसीलिए पिन डिजाइन की गई MN-MX बार। अब इसको हमने MN-MX को क्या कहा,
एक हमारा मिनिमम मोड हो गया और एक हो गया मैक्सिमम। मिनिमम मोड में हम क्या करेंगे, इसको सिग्नल प्रोसेसर की तरह यूज करेंगे। व्हेन ओनली 1 8086 सीपीयू इज टू बी यूज्ड, तो हम इसे मिनिमम मोड देंगे। और जब हम मल्टीप्रोसेसर सिस्टम की बात करेंगे देन वी विल यूज दिस प्रोसेसर इन मैक्सिमम मोड, एंड इन दिस मोड हम मोर देन 1 8086 प्रोसेसर को इंटरकनेक्ट कर देंगे इन अ सिंगल माइक्रो कंप्यूटर। एंड इन केस ऑफ मैक्सिमम मोड, जब हम मैक्सिमम मोड की बात करेंगे तो जितने भी ऑपरेशन कंट्रोल सिग्नल्स होंगे वो सारे के सारे किसके थ्रू, इस बस कंट्रोलर के थ्रू जाएंगे। बिकॉज अब माइक्रो प्रोसेसर ये कंट्रोल सिग्नल्स को इशू नहीं कर सकता है बिकॉज इट डज नॉट हैव फुल कंट्रोल ऑन बसेस। तो दैट इज वाई हमें एक थर्ड पार्टी की जरूरत होगी, एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर की जरूरत होगी जिसे कि 8288 कहते हैं। इट इज अ बस कंट्रोलर। आई थिंक ये शायद यूनिट 5 में होगा, तो अगर वहां पर ये यूनिट 5 में होगा 8288 बस कंट्रोलर, तो वी विल डिस्कस द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस आल्सो। तो नाउ अब कंट्रोल सिग्नल्स क्या है, इस आईसी के थ्रू जनरेट होंगे, सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा, बट क्या होगा कि हम पैरेलली टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। अब ऑपरेटिंग मोड के अकॉर्डिंग MN/MX bar, as you all know, when it is connected to one, it is working in minimum mode, और जिस भी पिन पे बार लगा हुआ आता है that pin is active low, तो जब low value होगी then it is activated। तो वन पे मिनिमम मोड होगा एंड जीरो पे मैक्सिमम मोड होगा, यानी जब मैक्सिमम मोड यानी जीरो से कनेक्टेड होगी इन दैट टाइम ओनली इट विल बी वर्किंग इन अ मल्टीप्रोसेसर सिस्टम। अब माइक्रोप्रोसेसर को ये तो पता चल गया कि किस मोड में वर्क कर रहे हैं, अब इस मोड में माइक्रोप्रोसेसर को टास्क क्या करना है या किस तरह से उस मोड में ऑपरेट करना है, फॉर दैट पर्पज रेस्ट जितनी भी पिन्स हैं जैसे एड्रेस की पिन्स हो गई, डेटा की पिन्स हो गई, वो सब तो चेंजेस नहीं होंगी। चेंज कहाँ पर होगा, चेंज होगा ये जो 24 to 31 पिन्स हैं, इन पिन्स के ऑपरेशन में चेंज होगा। अब इन पिन्स का हमें डिस्क्रिप्शन स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरह से ये मिनिमम मोड में वर्क करेंगे एंड किस तरह से ये मैक्सिमम मोड में वर्क करेंगे। Then it is working in minimum mode. हमने क्या किया, हमें क्या करना है, इसको 1 से कनेक्ट करना है, हाई करना है। It means कि we have to connect it to 5 volt DC supply, that is VCC in microprocessor. अब 24 to 31 पिन की बात करते हैं, तो इन दिस मोड ये हमारी पिन्स वर्क करें। अब ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं। INTA क्या है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है। इंटरप्ट आएगी, इंटरप्ट को माइक्रोप्रोसेसर एक्नॉलेज करेगा। ALE एड्रेस लैच इनेबल। अब देखिए यहाँ पर हम एड्रेस लैच इनेबल को कहाँ से दे रहे हैं, माइक्रोप्रोसेसर से ही दे रहे हैं डायरेक्टली, बिकॉज ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की बात हो रही है। तो इट मीन्स कि जितने भी बस कंट्रोलिंग से रिलेटेड सिग्नल्स होंगे वो कहाँ से जनरेट होंगे, 8086 से जनरेट होंगे, इस इंटेल 8288 से जनरेट नहीं होंगे। तो एड्रेस लैच इनेबल का भी टास्क यही से होगा, फिर डेटा इनेबल भी माइक्रोप्रोसेसर ही करेगा, एंड माइक्रोप्रोसेसर विल टेल डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या डेटा रिसीव हो रहा है, एंड यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ दिस पिन। और ये 8286 या 8287 के थ्रू कनेक्टेड होगा, बिकॉज यहाँ पर जो ये ट्रांसीवर हम लोग यूज करेंगे, ये ट्रांसीवर
क्योंकि हम मल्टीप्रोसेसर सिस्टम की भी बात कर रहे हैं तो ये ट्रांसीवर तो कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा बिकॉज हमें मिनिमम और मैक्सिमम मोड में स्विचिंग करनी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक टाइम पर इसको हटा दें एक टाइम पर लगा दें, बिकॉज सर्किट एक टाइम डिजाइन होता है और जैसे एक बार सर्किट जो डिजाइन हो गया वो फिर डिजाइन हो गया, इट विल नॉट चेंज। तो दैट इज वाई हमें इस आईसी को जो सर्किट है उस डिजाइन में रखना ही रखना पड़ेगा और कनेक्टेड रखना ही पड़ेगा। बस डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा कि जब फंक्शनिंग होगी तो सिग्नल 8086 से जनरेट होगा, अदरवाइज वो फिर जो इंटरफेसिंग डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके थ्रू जनरेट होगा। देन जो डेटा ट्रांसमिट या रिसीव होगा मेमोरी से होगा या आईओ डिवाइस से होगा, ये भी 8086 ही इन्फॉर्म करेगा मेमोरी या आईओ डिवाइस को। ये सिग्नल भी यहीं से जनरेट होगा, इट विल टेल। एंड व्हेनेवर एनी अदर पेरिफेरल डिवाइस नीड्स एक्सेस ऑफ द बसेस देन होल्ड सिग्नल विल बी रिसीव्ड एट 8086 बिकॉज ऑल द कंट्रोल ऑफ बसेस आर विद 8086 इन मिनिमम मोड। दैट इज वाई अगर किसी अदर डिवाइस को रिक्वायरमेंट है एड्रेस या डेटा बस को यूज करने के लिए तो इट हैज टू सेंड होल्ड सिग्नल टू 8086 माइक्रोप्रोसेसर। एंड होल्ड सिग्नल रिसीव हो रहा है तो होल्ड का एक्नॉलेजमेंट भी जरूर जनरेट होगा बिकॉज ये दोनों पिंस एक साथ ही वर्क करती हैं एंड बोथ पिंस आर यूज्ड विद DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA के नाम हमने कई बार लिया है और ये भी बताया है कि हम इसको 15 मिनट में भी स्टडी करेंगे। तो ये तो फंक्शनिंग हो गई मिनिमम मोड में। इसी तरह से जब हम मैक्सिमम मोड की बात करते हैं तो इन केस ऑफ मैक्सिमम मोड कंट्रोल सिग्नल्स तो जनरेट नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेटस की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि वी हैव टू टेल द स्टेटस की क्या स्टेटस है माइक्रोप्रोसेसर का। तो ऑल दीज पिंस आर यूज फॉर डिफरेंट स्टेटस हियर। लाइक कि जैसे कि इंस्ट्रक्शन क्यू का भी हमें स्टेटस बताना होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन क्यू है उसका स्टेटस क्या है। प्रोग्रामर को क्योंकि ये पता होना चाहिए ही इज यूजिंग द इंस्ट्रक्शन क्यू एंड इंस्ट्रक्शन क्यू इसीलिए डिजाइन किया गया है सो दैट कि माइक्रोप्रोसेसर का स्पीड ऑफ ऑपरेशन इनहेंस हो जाए। तो इंस्ट्रक्शन क्यू का क्या स्टेटस है ये भी प्रोग्रामर चेक करना चाहता है कि व्हेन आई एम रनिंग सम प्रोग्राम देन इंस्ट्रक्शन क्यू का जो स्टेटस है इंस्ट्रक्शन क्यू है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, व्हेन इट इज एम्प्टी, व्हेन नो ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड या व्हेन व्हिच ऑफ द बाइट्स और व्हिच ऑफ द डेटा इज बीइंग आस्क्ड बाय एग्जीक्यूशन यूनिट। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए ये दो पिंस यहाँ पर इंक्लूड की गई है QS1 एंड QS0। ऐसे ही कुछ अदर भी स्टेटस हैं जो 8085 में भी थे, जैसे कि कब माइक्रोप्रोसेसर हॉल्ट स्टेट में है, कब रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है, कब राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो फॉर दैट पर्पज यहाँ पर 3 पिंस का यूज किया गया है जो कि 8085 में सिर्फ 2 पिंस थी S0 एंड S1। और जब 2 पिंस थी तो इट मीन्स वी कैन हैव ओनली 4 स्टेटस, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग 3 पिंस टू चेक द स्टेटस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। दैट इज वाई हम यहाँ पर 4 के बजाय 9 स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब वो 9 स्टेटस क्या है, अब जैसे 8085 में था कि हम सिर्फ रीड और राइट जान पाते थे कि रीड ऑपरेशन हो रहा है या राइट ऑपरेशन हो रहा है, बट इन केस ऑफ 8086 हम ये भी जान सकते हैं कि अगर रीड ऑपरेशन हो रहा है तो वो मेमोरी से हो रहा है या आईओ से हो रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है तो मेमोरी से हो रहा है या आईओ से हो रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए, एक्स्ट्रा स्टेटस आ गए कि हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी माइक्रोप्रोसेसर के बारे में रख सकते हैं बाय चेकिंग दीज स्टेटस सिग्नल्स। देन दो सिग्नल्स और हैं, एक लॉक है। लॉक क्या है कि अब मान लीजिए मल्टीप्रोसेसर सिस्टम की बात करें, अब मल्टीप्रोसेसर में भी क्या है कि मल्टीप्रोसेसर सिस्टम जब है तो किसी प्रोसेसर को एक्सेस मिलेगा व्हेन इट हैज टू रन सम प्रोग्राम।
and it will receive access of all address and databases. And at that time, if any of the peripheral device needs access of same address and database, then the peripheral device will send a hold signal and microprocessor has to respond this. And 8086 multiprocessor mein connected hai, isko bhi for a time being hi access mila hua hai, aur ye kaise kisi aur ko access de de address aur database iska, because it has to perform its own operations also. So that is why yahan par ek lock pin ka bhi provision hai. अब इस लॉक पिन का यूज कैसे करते हैं, जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर इस लॉक पिन को ऑन कर देता है, मींस जैसे इट इज एक्टिव लो, तो इट मींस इस पिन पे जैसे ही जीरो आ गया माइक्रोप्रोसेसर लॉक कर लेता है अपने आप को. और लॉक करने के बाद क्या होता है कि इट विल नॉट रिसीव इंटरप्ट्स, इट विल नॉट रिसीव होल्ड रिक्वेस्ट. ना ये किसी इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड करेगा, ना ये किसी होल्ड को, होल्ड सिग्नल को रेस्पॉन्ड करेगा. ये जब तक अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर लेगा तब तक ये अपने आप को लॉक कर देगा. व्हेनेवर इट हैज सम इम्पोर्टेंट टास्क टू परफॉर्म थ्रू एड्रेस एंड डेटाबेसेस. तो इस पिन की भी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मल्टीप्रोसेसर में हर एक प्रोसेसर को कंप्लीट एक्सेस नहीं मिला हुआ होता. देन दो पिन और हैं, RQGT1 and RQGT0. ये bidirectional है, पिन नंबर 30 एंड 31 पे है. लोकल बस प्रियोरिटी कंट्रोल. तो अब यहाँ पर क्या है, अदर प्रोसेसर आस्क सीपीयू थ्रू दीज लाइन टू रिलीज द लोकल बस, एंड आफ्टर रिसीविंग दिस रिक्वेस्ट, RQ is for request and GT is for grant. तो जैसे ही इसको रिक्वेस्ट सिग्नल मिलता है टू रिलीज द लोकल बस, सीपीयू क्या करेगा, सेंड द रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल. ये एक रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल थ्रू द सेम लाइन, मतलब सेम उसी पिन से भेज देता है प्रोसेसर को कि रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड इट इज ग्रांटेड एंड बसेस विल बी रिलीज आफ्टर द एंड ऑफ करेंट बस साइकिल. तो ये दो सिग्नल्स यहाँ पर हैं, बिकॉज मोर देन वन प्रोसेसर कनेक्टेड है. तो हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लीजिए तीन प्रोसेसर कनेक्टेड है, एक प्रोसेसर उस समय करंट टाइम में टास्क परफॉर्म कर रहा है और अदर दो जो प्रोसेसर हैं उनको भी सेम टाइम पर ही बसेस का कंट्रोल चाहिए. तो एट दैट टाइम माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, तो यहाँ पर भी प्रियोरिटी है. GT0 की प्रियोरिटी ज़्यादा है, GT1 की प्रियोरिटी कम है. तो GT0 पे जिस प्रोसेसर का सिग्नल आएगा वो पहले रिस्पॉन्स उसका, उसको पहले कंट्रोल दिया जाएगा, इसको बाद में दिया जाएगा. और मैक्सिमम मोड ऑपरेशन में अब जैसे राइट हो गया, ALE हो गया, DN हो गया, ट्रांसमिट रिसीव, इस तरह के जितने भी सिग्नल्स हैं जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं आर अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोसेसर, sorry, are not available and these signals are available from the controller 8288, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको. अब कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर यूज हो रहा है 8086 में मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8286 ट्रांसीवर यूज हो रहा है, 8282 लैच यूज हो रहा है.
इन केस ऑफ मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन, अब मिनिमम मोड में इंटरफेसिंग डिवाइसेस का कोई यूज नहीं है, बिकॉज ये जो सिग्नल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सिग्नल्स माइक्रोप्रोसेसर से ही जनरेट हो, तो दैट इज वाई ये जो है ये दोनों That is why ये दोनों as a buffer यहाँ पर work करेंगे. And you can see कि यहाँ पर सिर्फ इस 8086 के pin diagram में उन्हीं pins को यहाँ पर show किया गया है. Those pins are related with minimum mode only. एंड वन मोर थिंग, ये हमने आप प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जब हमने डिस्कस किया था, इट इज नॉट कनेक्टेड टू ग्राउंड, इट इज कनेक्टेड टू वीसीसी, इट इज मिसप्रिंटिंग इन दिस बुक. नाउ अब देखिए यहाँ पर आपको ये एक ब्लॉक गिवन है, ये 8086 हो गया, एंड दिस ब्लॉक इज रैम, रोम, पेरिफेरल, इंटरप्ट कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर एटसेट्रा, मतलब जितना भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी यहाँ से इंटरकनेक्टेड हैं. एंड इन इंटरफेसिंग डिवाइसेस से रिलेटेड सिग्नल्स कौन कौन से होंगे, रीड, राइट एंड स्लैश आईओ बार, बिकॉज जो पेरिफेरल डिवाइसेज हैं जैसे आईओ डिवाइस हो गई या जैसे मेमोरीज हो गई, तो हम डेटा को रीड या राइट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इन्हीं डिवाइसेज के थ्रू ही परफॉर्म करेंगे. एंड वी हैव टू टेल कि मेमोरी से ऑपरेशन हो रहा है या आईओ डिवाइस से ऑपरेशन हो रहा है, तो दीज कंट्रोल सिग्नल्स आर डायरेक्टली सेंड टू द मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेज. देन As I previously told you that ki